लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में लगातार स्थिति में सुधार हो रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अधिकतर स्थानों पर लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को घाटी में कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि स्थिति बेहतर देखकर संचार सेवाओं में ढील दी गई है। अधीर रंजन ने कहा कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा का अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार के साथ साथ उनके बयान भी भाजपा नेता की तरह हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को राज्य में दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की किसी भी कमी से इनकार करते हुए कहा कि संचार माध्यमों पर पाबंदियों की वजह से वहां बहुत सी जिंदगियां बची हैं। घाटी में रविवार को दवा की अधिकतर दुकानें खुली रहीं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बयान में कहा है कि श्रीनगर में दवा की 1,666 दुकानें हैं, जिनमें से 1,165 दुकानें रविवार को खुली रहीं। इसमें कहा गया है कि कश्मीर घाटी में 7,630 फुटकर दवा विक्रेता और 4,331 थोक दवा विक्रेता हैं। वहां करीब 65% दुकानें खुली हुई हैं। मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कहीं भी दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, लोगों की खरीद के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ईद में हमने लोगों के घरों पर मीट, सब्जियां और अंडों की आपूर्ति की है। आपको बता दें कि कश्मीर में लगातार 21वें दिन भी जो अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद रहे, वहीं सार्वजनिक वाहन भी सड़कों से नजारा दिखाई दी, साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगे। शहर में कुछ जगह हालांकि कुछ फेरी वाले जरूर दिखाई दिए।